नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी प्रसाद यादव ने, बिहार के डिप्टी सीएम ने, केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो टॉप 5 राज्यों में बिहार पहुंच जाएगा। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज भवन निर्माण विभाग के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार के साथ, और इस दौरान उनके दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, ये आपको सुनवा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वी आर द लीडिंग स्टेट, तो इतनी बड़ी बात है, तो थोड़ा सहयोग अगर मिलेगा केंद्र से, बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार आप देखिएगा 2 सालों के अंदर जो है कहां टॉप 5 राज्यों में जो है पहुंच जाएगा। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता बिहार के साथ, तो पक्षपात हो ही ना रहे, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं ना। एकदम एकदम इसमें, अरे भाई आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपको जो हकीकत है 15वें आपको एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है, बिहार केंद्र सरकार लगातार पक्षपात कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ ये बात कह रहे हैं कि बिहार में 38 हेडक्वार्टर नगर निकाय के हैं और केंद्र सरकार उनमें खर्च करने के लिए 7,35,00,000 रुपये महज दे रही है। तो तेजस्वी यादव ने आंकड़ा दिया और बताया कि महज इतने रुपयों से बिहार का विकास कैसे होगा, यानी केंद्र सरकार जो है दोहरा व्यवहार कर रही है, उनका साफ तौर पर कहना था। और उनका कहना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके पीछे वजह भी आई कि आखिर बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इस बात की भी चर्चा की गई मीटिंग के अंदर। और उसमें बताया गया कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, इसमें किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। 15वें वित्त आयोग की बात की गई, ने बिहार के शहरी निकायों को 7,38,00,000 रुपये दिए गए। इस मुद्दे को इस मीटिंग में उठाया गया और कहा गया, चर्चा की गई कि इतने कम संसाधन में, हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया जरूर कि इतने कम संसाधन में, इतने कम पैसों में भी सरकार अपने तरफ से बेहतर काम कर रही है, लेकिन अगर केंद्र सरकार सहयोग दे तो बिहार का तेजी से विकास किया जा सकता है। यानी अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत अब लगातार गर्म होती चली जा रही है एक बार फिर से, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार इस पर बयानबाजियां हो रही हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए चाहे जेडीयू या फिर आरजेडी के नेता बार बार इन बातों को उठा रहे हैं, और आज अब नेता जो है डिप्टी सीएम हैं वो खुद तेजस्वी यादव, उन्होंने ये बातें एक मंच पर रखी हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, केंद्र सरकार को सियासत से परे हटकर, राजनीति से परे हटकर बिहार के विकास के लिए ये दर्जा देना चाहिए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।